नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमाचल टुडे न्यूज़ में। तो बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो 61 की मौत, नए नियम लागू, इन जिलों में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, 12वीं के पेपरों पर आई बड़ी खबर। तो पूरी जानकारी जो है आपको वीडियो में दी जाएगी, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना केस ऐसे ही घटते रहे तो 15 जून के बाद हो सकती है 12वीं के जो है शेष विषयों की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर कसरत होने लगी है। 12वीं की परीक्षा जो है आयोजित कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम छोटा करने पर भी विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को मंगलवार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कोविड केसों की संख्या यूं ही घटती रही तो स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के जो बचे हुए पेपर 15 जून के बाद कराने की स्थिति में होगा। 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है और उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एनरोल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं बोर्ड की कक्षा जो है 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर कसरत होने लगी है। 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के लिए जो है विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल में 61 कोरोना संक्रमितों की जो है मौत और 45 बौद्ध भिक्षुओं समेत 1965 नए पॉजिटिव। रिकवरी दर जो है 85.81% पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 182,982 पहुंच चुका है और इनमें से अब तक जो है 157,031 जो है संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर जो है 23,053 रह गए हैं। ब्लैक फंगस, IGMC में 2 घंटों तक चला महिला का ऑपरेशन, नाक गले की सड़ चुकी चमड़ी जो है निकाली। IGMC अस्पताल शिमला में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला का मंगलवार को जो है सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला चिकित्सकों की निगरानी में है। इसकी पुष्टि जो है IGMC के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो है बंद नहीं होगी स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जो है पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बंद नहीं करेगी, यानी स्लॉट बुक करने ही होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार जो है 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों को के लिए जो है टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र ने इसका जो है निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। शिमला रोहड़ू के बाद नेरवा बाजार 26 से 31 मई तक रहेगा पूर्ण बंद। सोलन शहर के व्यापारियों ने भी 2 दिन दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं है। सभी दुकानें खोलने के समय और समय न बढ़ाने पर शिमला जिला के रोहड़ू के बाद अब नेरवा जो है कारोबारियों ने भी बाजार बुधवार 26 से 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले 21 जो मई से रोहड़ू का बाजार बंद है। दूसरी ओर सोलन शहर के व्यापारियों ने भी 2 दिन दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं है। पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही कंगना, अपने बगीचे में रोपे 20 पौधे। कोरोना को मात देने के बाद कंगना आजकल मनाली में है। मंगलवार को उन्होंने अपने बगीचे में देवदार समेत अन्य प्रजातियों के जो है 20 पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हिमाचल में विधायकों को गाड़ी पर झंडी लगाने को मंजूरी। कोविड संकट के बीच विधायकों ने जयराम सरकार से आखिर अपनी बात मनवा ही ली, अब विधायक भी गाड़ी पर झंडी लगा सकेंगे। प्रदेश विधानसभा सचिवालय तय करेगा कि झंडी कैसी होगी। कोरोना, शिमला में फल बेचने के लिए मजबूर हो गए टैक्सी ऑपरेटर। टैक्सी चालक सचिन ने बताया कि वह 7 साल से टैक्सी चला रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू के कारण कोई काम नहीं है। कालका में उनके परिचित टैक्सी ऑपरेटर इनोवा गाड़ी में फ्रूट और सब्जी बेच रहे हैं। नगर पंचायत चुवाड़ी समेत 14 पंचायतों में 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। चुवाड़ी, चंबा जिले की नगर पंचायत चुवाड़ी समेत कंटेनमेंट जोन बनाई गई 14 पंचायतों में दवाइयों को छोड़कर सभी दुकानें वीरवार से 31 मई तक बंद रहेंगी। और प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो है क्षेत्र में हो रही मौतों और लोगों के लगातार बाहर निकलने के चलते प्रशासन ने आदेश जो है जारी किए हैं।
27 से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है और इसके लिए मंगलवार को शाम को जागरूक किया गया और इसमें जो है लोगों को बेवजह घरों से निकलने के लिए निर्देश जारी किए गए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।